सन 1990 में आई फिल्म जय शिव शंकर में एक रोल के लिए अक्षय कुमार राजेश खन्ना से मिलने पहुंचे थे। करीब 100 से ज्यादा फिल्म कर चुके अक्षय कुमार को बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। 90 के दशक में फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले अक्षय को मोहरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी फिल्मों के बाद से एक्शन हीरो कहा जाने लगा था। अक्षय ने जहां फिल्मों में पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत की है, वहीं अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। क्या आप जानते हैं राजेश खन्ना की एक फिल्म में रोल करने के लिए अक्षय ने कई घंटों इंतजार किया और बाद में उन्हें ये कहकर वहां से निकाल दिया कि राजेश खन्ना तुमसे नहीं मिल सकते। ये बात उस वक्त की है जब राजेश खन्ना बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन पारी खेल चुके थे और अक्षय कुमार अपनी पारी की शुरुआत के लिए प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा रहे थे। सन 1990 में आई फिल्म जय शिव शंकर का ऐलान राजेश खन्ना कर चुके थे। राजेश खन्ना ने फिल्म के लिए डिंपल कपाड़िया को पहले ही साइन कर लिया था, साथ ही फिल्म में जितेंद्र कुमार को भी लिया गया था। अब एक नए चेहरे की तलाश जारी थी। जब इस बात का पता अक्षय को लगा तो वो भी इस फिल्म में रोल पाने के लिए राजेश खन्ना के ऑफिस पहुंचे। उस समय राजेश खन्ना फिल्म के लिए बाकी लोगों का स्क्रीन टेस्ट ले रहे थे। अक्षय भी उनसे मिलने के लिए लाइन में बैठ गए। तकरीबन 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद भी अक्षय का नंबर नहीं आया। आखिर में उन्हें ये कहकर जाने के लिए बोल दिया कि आपसे राजेश खन्ना नहीं मिल सकते। अक्षय कुमार को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उस समय अक्षय ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि जिनसे मिलने के लिए भी इतनी दौड़ भाग करनी पड़ती है कभी उनकी बेटी से शादी कर लेंगे। अक्षय कुमार ने राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से 2 बार सगाई होने के बाद 14 जनवरी 2001 को शादी कर ली।